यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार का अनुपूरक बजट। योगी सरकार ने पेश किया 7,301 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। युवाओं को रोजगार के लिए 3,000 करोड़ का प्रावधान। बढ़ेगी शिक्षा मित्र आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स की सैलरी। गन्ना किसानों के भुगतान के लिए सरकार ने रखा बजट। अगले साल होने वाले चुनावों की तैयारियों में जुटी बीजेपी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया। अगले 6 महीने में सरकार की घोषणाओं और परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7,301 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया, जो कि आम बजट का 1.33% है। इस बजट में से करीब 3,000 करोड़ रुपए युवाओं के रोजगार पर खर्च होंगे। वहीं बजट में आशा वर्कर, चौकीदारों, ग्राम प्रहरी, आंगनबाड़ी के साथ रोजगार सेवक, प्रांतीय रक्षक दल, रसोईया समेत विभिन्न संभाग में काम कर रहे कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का जिक्र भी किया गया है। ये 7,301.52 करोड़ रुपए का माननीय बजट है, अनुपूरक बजट। ये हमारा जो 5,50,000 करोड़ रुपए का जो एनुअल बजट था उसका 1.33% है मान्यवर मात्र। बहुत ही छोटा अनुपूरक बजट है और ख़ास तौर से इसमें फोकस उन बातों पर किया गया है कि जो अत्यंत जन कल्याणकारी हैं या किसी किसी योजना को पूरा करने के लिए है, और कुछ मान्यवर ऐसी नई मांगे भी हैं मान्यवर इसमें, ख़ास तौर से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए विशेष रूप से 3,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। गन्ने का भुगतान, अधिवक्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा की निधि, अंबेडकर स्मारक तथा सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर तथा चौकीदारों के लिए मानदेय में वृद्धि, विद्युत व्यवस्था में सुधार, गोवंश का रखरखाव और अयोध्या में एमिनिटीज और पार्किंग की व्यवस्था और साथ साथ मान्यवर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा। मान्यवर ये कुछ हाईलाइट्स थी जो विशेष रूप से अनुपूरक में हम लाइव लेकर आए हैं। चर्चा तो मान्यवर विस्तृत कल होगी, लेकिन हम विशेष रूप से कहना चाहते हैं कि इस 4.5 साल की सरकार ने पब्लिक का परसेप्शन बदला है। लोग दृष्टि सबसे बड़ा मानदंड होता है किसी भी सरकार के मूल्यांकन का, और आज जनता की ये आवाज़ है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं मान्यवर और कई रिकॉर्डों को तोड़ा भी है मान्यवर। अनुपूरक बजट के जरिए युवाओं के रोजगार और किसानों के गन्ना भुगतान सहित विकास योजनाओं को चुनाव से पहले पूरा करने का दांव योगी सरकार ने चला है। आइए अब आपको बताते हैं इस अनुपूरक बजट में किसे क्या मिला है। रोजगार के लिए 3,000 करोड़ का पैकेज। युवाओं को रोजगार देने के लिए बजट में 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अनुपूरक बजट में प्रदेश के युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए कोष की स्थापना की खातिर 3,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए अनुपूरक बजट में व्यवस्था। अनुपूरक बजट के जरिए सूबे की योगी सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की है। वहीं बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अंबेडकर स्मारक के लिए बजट में खास व्यवस्था। लखनऊ में बनने वाले अंबेडकर स्मारक तथा सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण के लिए 50 करोड़ का बजट रखा है। वहीं अयोध्या में पार्किंग की व्यवस्था व बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 209 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। आशा वर्करों और चौकीदारों का बढ़ेगा मानदेय। अनुपूरक बजट में आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि के लिए 129.78 करोड़ रुपए, ग्राम प्रहरी चौकीदार के मानदेय में वृद्धि के लिए 47.88 करोड़ रुपए, शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि के लिए 103.55 करोड़ रुपए, मुख्य व सहायक रसोइयों के मानदेय बढ़ाने के लिए 160 करोड़ रुपए और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि के लिए 28.91 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन सब के साथ ही सूबे की विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए भी संसाधनों का इंतजाम किया गया है।
उदय योजना के तहत विद्युत वितरण कंपनियों की हानियों की भरपाई के लिए योगी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। अनुपूरक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इन 4.5 वर्षों के कार्यकाल में हमने पब्लिक का परसेप्शन बदला है। योगी सरकार ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं और कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। अत्यंत जरूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए ये अनुपूरक बजट लाया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।